अच्छा असद भाई ये बता दीजिए कौन सी बाइक है? ये यामा वी स्टार का बाइक है। अच्छा 2013 का मॉडल है, 2018 का इम्पोर्ट है। अच्छा ये क्वेटा रजिस्टर्ड है, कस्टम नॉन कस्टम नहीं है, कस्टम पेड है। ये कस्टम पेड है लोगों के लिए, जो लोग नॉन कस्टम से डरते हैं कि पकड़ा जाएगा ऐसे वैसे, जिन लोगों के लिए ये बाइक खास उन लोगों के लिए। अच्छा 2013 की बाइक है जी जी, 2018 में रजिस्टर्ड हुआ है, एक्शन बाइक है जी। क्वेटा नंबर है, क्वेटा नंबर है, 20-1300 cc जी, बिल्कुल फ्रेश बाइक है, बिल्कुल फ्रेश बाइक है। ये बाइक क्वेटा में नहीं चला है, ना पाकिस्तान में चला है जी जी, ये डायरेक्ट इंपोर्ट हुआ है बॉर्डर के रास्ते, पहले इलेक्शन में हम लोगों ने इसको रजिस्टर किए जी। इसका ड्रिफ्टी विफ्टी सब क्लियर है। अच्छा तो ये देखियो गाइस, ये कितना बड़ा बाइक है यार, ऐसे बिल्कुल वो शहजादों वाला नहीं है, बड़ा बड़ा ये बिल्कुल शहजादों वाला है, प्रोटोकॉल वाला बाइक, प्रोटोकॉल वाला बाइक। अच्छा ये चलाने में किस तरह होगा फिर? ये चलाने में बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा बच्चा भी चला सकते है, चला सकते है। सीसी क्या है इसकी? सीसी 1300 cc। 1300 cc है, वाओ गाइस ये बाइक जो है ये 1300 cc है यार। अच्छा इसका वजन बहुत ज्यादा है, वाओ बहुत बड़ा बाइक है, 1300 cc है गाइस। ये हमारे साथ चमन बॉर्डर से इम्पोर्ट हुआ है। अच्छा चमन बॉर्डर से इम्पोर्ट हुआ है, नॉन कस्टम है, नॉन कस्टम है, एनसीपी है गाइस। 2018 की मॉडल है कावासाकी निंजा, कावासाकी निंजा बिल्कुल फ्रेश बाइक है, स्लैम बाइक है, इंशाल्लाह इधर चला हुआ नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ है, पाकिस्तान में बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। अच्छा ये पीछे कहाँ का है? जापान का है, कहाँ का है सर? जापान से आता है, डायरेक्ट जापान से आता है, चमन बॉर्डर इम्पोर्ट आते हैं। अच्छा चमन बॉर्डर के रास्ते आते हैं जी जी, ये चमन बॉर्डर, चमन से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, फिर बॉर्डर से इम्पोर्ट करके इधर हम लोग। अच्छा तो आपने कहा ये मॉडल कौन सा था? 2018 मॉडल है। तो ये कितना चला हुआ है ये बता दे? ये तकरीबन आप मीटर का दिखाऊँ? अच्छा गाइस तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे, 34,000 चला हुआ है गाइस, आप लोगों ने देखा 34,000। तो इसका क्या, इसमें क्या खूबियाँ है, मतलब ये आप बता दो थोड़ा सा, इसमें क्या क्या फंक्शन है? ये ओरिजिनल जापानी है, मतलब इसके जो है स्पीड ज्यादा है। अच्छा स्पीड ज्यादा है, पेट्रोल एवरेज कम देती है। अच्छा पेट्रोल एवरेज का बता दे, पेट्रोल में 1 लीटर में क्या, 1 लीटर पे 40 किलोमीटर ये चलेगी। होंडा होंडा सीडी 150 ठीक है, मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं हुए, 400 ओनली, खाली 400 यूज हुआ है। अच्छा 400 सिर्फ 400 यूज हुआ है जी, मोटरसाइकिल बिल्कुल नए। अच्छा 23 मॉडल है, क्वेटा रजिस्टर्ड है, 23 मॉडल। अस्सलाम वालेकुम डियर वर्ल्ड्स, मोस्ट वेलकम बैक इन टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद वाईटी। गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं असद खान बार्गेनिंग सेंटर की तरफ हूँ जो कि क्वेटा हाई स्कूल रोड पर हुआ किया है। यहाँ पर हर किस्म की कस्टम एंड नॉन कस्टम चमन बॉर्डर से जो पेट्रोल बाइक्स है गाइस वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। हैवी बाइक्स 1300 से लेकर 1700-1500 से फिर 125 तक जितनी भी आपको यहाँ पर है गाइस आपको मिलेगी। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग वॉच करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं अभी ओनर शॉप से मिलते हैं, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस यहाँ पर अभी आगे हम ओनर ऑफ शॉप से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का एहसान है, ठीक हूं। मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है। आप सुनाओ खैरियत से हो? ये बता दीजिए शोरूम का नाम क्या है और कहाँ पर हुआ किया है? असद बार्गेनिंग सेंटर हुआ। अच्छा तो यहाँ पर आप लोग कौन से बाइक ज़्यादातर सेल करते हैं? हमारे पास 125 में हर मॉडल इंशाल्लाह दस्तियाब होते हैं जी, और होंडा सिटी, YBR, यामाहा YBZ-DX और नॉन कस्टम गाड़ी कभी कभी आता है, महीने दो महीने में हमारे पास आता है नॉन कस्टम जी, हैवी बाइक में जी जी। बाकी सारे हैवी बाइक्स यहाँ पर। तो ये बता दें अगर किसी को नॉन कस्टम हैवी बाइक्स चाहिए तो उसका फिर क्या हिसाब है? तो इंशाल्लाह अगर वो हमें ऑर्डर करें तो उसको इंशाल्लाह मंगा लेंगे। कोई कराची लाहौर से मंगवा रहे तो फिर इसका क्या उस प्रोसेस है? बस सही प्रोसेस है, अगर वो बंदा हमारे साथ कॉन्टेक्ट करे, अगर हम इंटरेस्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे दुकान की जी जी, तो आप लोग वहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं जी जी, ठीक है। तो फिर प्राइसेस में फिर क्या कहते हैं आप? प्राइसेस इंशाल्लाह मुनासिब होएगा, मार्केट के मुताबिक होएगा, ऐसे नहीं कम मार्केट से ज़्यादा भाव होंगे। अच्छा तो ये बता दें गाइस
आप लोगों से मैं असद भाई से भी खुद पूछूंगा। तो गाइज मैं जो फ्री पब्लिसिटी करता हूँ, फ्री मार्केटिंग करता हूँ, तो आप लोग असद भाई कैसे मैं फ्री पब्लिसिटी करता हूँ ना, तो आप लोगों की तवज्जो से मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें कम से कम। तो ये गाइज अभी हम आगे असद बार्गिंग सेंटर की तरफ जो कि क्वेटा आर्ट स्कूल रोड पर वाकया है। अब यहाँ पर हम असद भाई से मिलेंगे। असद भाई ये बता दो आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले आप? आज आपके व्यूअर्स को इंशाल्लाह वो बाइक हम दिखाएंगे जी, तलश फजूर गाइज। अच्छा कौन सी वो बाइक हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो आपके व्यूअर्स ने इंशाल्लाह बहुत सारे शोरूम में नहीं दिखा हुआ। अच्छा हाँ, तो ये अभी बता दें कौन सी बाइक ये है? ये हमारे साथ चमन बॉर्डर से इम्पोर्ट हुआ है। अच्छा चमन बॉर्डर से इम्पोर्ट हुआ है, नॉन कस्टम है, एनसीपी है गाइस। 2018 की मॉडल है कावासाकी निंजा, कावासाकी निंजा बिल्कुल फ्रेश बाइक है, स्लैम बाइक है, इंशाल्लाह इधर चला हुआ नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ है, पाकिस्तान में बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। अच्छा ये पीछे कहाँ का है, जापान का है, कहाँ का है सर? जापान से आता है, डायरेक्ट जापान से आता है, चमन बॉर्डर इम्पोर्ट आते हैं। अच्छा चमन बॉर्डर के रास्ते आते हैं जी जी, ये चमन बॉर्डर, चमन से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, फिर बॉर्डर से इम्पोर्ट करके इधर हम लोग। अच्छा तो आपने कहा ये मॉडल कौन सा था? 2018 मॉडल है। तो ये कितना चला हुआ है ये बता दे? ये तकरीबन आप मीटर का दिखा। अच्छा गाइस तो यहाँ पर नहीं दिखा, 34,000 चला हुआ है गाइस, आप लोगों ने रखा 34,000। तो इसका क्या, इसमें क्या खूबियाँ है, मतलब ये आप बता दो थोड़ा सा, इसमें क्या क्या फंक्शन है? ये ओरिजिनल जापानी है, मतलब इसके जो है स्पीड ज्यादा है। अच्छा स्पीड ज्यादा है, पेट्रोल एवरेज कम देती है। अच्छा पेट्रोल एवरेज का बता दे, पेट्रोल में एक लीटर में क्या, एक लीटर पे 40 किलोमीटर ये चलेगा, 40 किलोमीटर एक लीटर पे। गाइस ये एक लीटर पे 40 किलोमीटर तक चलेगा। अभी आपने कहा स्पोर्ट्स बाइक है, नहीं है सीसी भी बड़ा है इसका, 300 सीसी है, 300 सीसी है गाइस, तो ये देखिए 300 सीसी है जी। और इसका जो है पेट्रोल एवरेज बहुत कम है, इंजेक्शन सिस्टम ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देंगे इसको व्यूअर्स को थोड़ा सा। गाइस मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए गाइस ये वाली बाइक है। अभी जगह बहुत कम है लेकिन काफी नाइस बाइक है, देखिए ये इसका पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है। अच्छा ये फुल न्यू है ना, मतलब इसका कोई सीक्रेट मिक्रेच या कोई फैक्ट्री सुन? अच्छा सीक्रेट नहीं है ठीक है। तो ये लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए क्या कौन सी बात है? बस ये लॉन्ग, जो लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं ना, लॉन्ग ट्रिप लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो ये बता दें ये सेल्फ स्टार्ट है किस तरह, इसका बता दें फंक्शन बता दें। अच्छा किस तरह स्टार्ट होता है इसका, फंक्शन बता दें हमारे व्यूअर्स को। बैटरी डाउन है, थोड़ा बैटरी में स्टार्ट नहीं होएगा अभी, बैटरी हम चार्ज करके फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा बैटरी अभी चार्ज नहीं हुआ है तो ठीक है। अभी इसका प्राइस क्या है, मतलब इसका प्राइस जो है आपके व्यूअर्स के लिए 7 लाख रुपये इसका प्राइस है जी, जी। 6.5 लाख हम देंगे, 6.5 लाख देंगे आप, इसमें मजीद कंसेशन हो सकता है 6.5 लाख? बस इंशाल्लाह जब इधर ही आएगा कस्टमर, इधर ही आएगा इंशाल्लाह उसके साथ काम। डिलीवरी का बता दें, डिलीवरी का क्या हिसाब है, अगर कोई लाहौर कराची साइड डिलीवरी हो जाएगा? डिलीवरी हो जाएगा गाइस, इसका डिलीवरी भी होगा। आपने प्राइस जो बताया क्या व्यूअर्स को भी वही प्राइस बताएंगे ना, इसमें कोई इलाबोरेशन नहीं करेंगे? वीडियो में क्या बता देते और उधर क्या बता देते, ऐसा नहीं, नहीं एक ही प्राइस, एक ही प्राइस है गाइस। यहाँ पर 4.5 लाख, 7 लाख का है, 6.5 लाख आपको दिया जाएगा और मजीद भी असल भाई कह रहे हैं इसके साथ वो होगा कंसेशन होगा। तो अच्छा ये इस बार ये बता दीजिए कौन सी बाइक है आपने कहा? उसके बाद ये YBR जी, YBR G ग्रेड जी, ये 2021 की मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश बाइक है। अच्छा क्वेटा से बाहर नहीं चला हुआ है? अच्छा क्वेटा से बाहर नहीं चला हुआ है, क्वेटा से बाहर नहीं चला हुआ, सिर्फ क्वेटा में यूज हुआ है इसको। अच्छा मॉडल क्या है? मॉडल 2021 है, क्वेटा रजिस्टर्ड है, क्वेटा रजिस्टर्ड है जी जी। अच्छा ये कस्टम पेड है, नॉन कस्टम? कस्टम पेड है ये, कस्टम पेड है। तो ये लॉन्ग ट्रेवलिंग वाला क्या सीसी है इसका? ये भी टूरिंग बाइक है, एचमिन बाइक, टूरिंग बाइक है। जब कोई बंदा मतलब यहाँ से लाहौर इस्लामाबाद चलाने चाहता है बाइक पे, तो ये बिल्कुल टूरिंग के लिए, ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है आपने कहा, बेस्ट है। तो अभी इसका भी आप लोगों ने क्या लगा है, मतलब पेट्रोल का एवरेज बता रहे हैं? पेट्रोल एवरेज ये शहर में आपको 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर देगा। अच्छा लॉन्ग ड्रिव में आपको 55 किलोमीटर देगा, 1 लीटर पे 1 लीटर। तो अभी ये रजिस्टर है, मतलब क्विटा का रजिस्टर है, कस्टम पेड है, तो ये लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट है, बेस्ट बाइक ठीक है। ये सीसी क्या है? ये सीसी 125 है, 125 सीसी है गाइस। तो ये जो है इसमें फैमिली बाइक भी आते हैं, मतलब ये नॉन फैमिली वाला है ना ठीक है। तो इसका प्राइस क्या लगा आपने? ये फैमिली है ठीक है, ये इसका प्राइस बता दें क्या है? इसका प्राइस जो है 3,25,000 है, 3,25,000, 3,20,000 कम देंगे आपके व्यूअर्स को, 3,25,000 के आप लोग कितना दोगे? 3,20,000 का देगा, 3,20,000। इसमें मजीद कंसेशन हो सकता है क्या? मजीद इंशाल्लाह बस डिस्कस हो जाएगा ठीक है, ओके फाइन। तो ये देखिए अच्छा गाइस, अच्छा इस सेट पे आके ये वाला बता दिए कौन सा बाइक है? ये होंडा सिटी 150 है, होंडा होंडा सिटी 150 ठीक है।
होंडा सिटी 150 ये जो इसकी न्यू की प्राइस है वो 4,98,000 अच्छा ये इंशाल्लाह आपकी वर्ष मिलेगा सिर्फ 4,90,000 अच्छा ये सीसी क्या है कौन सा मॉडल है 150 सीसी है 2022 की मॉडल है कोचा रजिस्टर्ड है जी जी हाँ रिटर्न फाइल अच्छा रिटर्न फाइल तो ये भी एनसीपी है नॉन कस्टम पेड़ है नहीं कस्टम पेड़ ये कस्टम पेड़ है कस्टम तो आप थोड़ा सा सेट मुझे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ व्यूअर्स को गाइस यहाँ से देखिए इसका कलर देखिए डिजाइन जो है फुल फ्रेश बाइक है गाइस ये देखो आपने कहा ये होंडा सीबी 150 है देखिए गाइस वाओ माशाल्लाह तो ये जो है गाइस कस्टम पेड़ है आपने कहा 18 मॉडल है 22 मॉडल नहीं ये तो 22 मॉडल ही हुआ है फिर तो कितना चला हुआ है ये चला 5,500 चला हुआ है अभी अच्छा पेट्रोल का एवरेज क्या है इसका पेट्रोल एवरेज भी आपको शहर में 36 किलोमीटर देगा अच्छा अगर लॉन्ग रोड पे चलाएगा तो 45 से 50 किलोमीटर देगा फिर तो ये CD70 से काफ़ी बेहतर होंगी ये बाइक्स आप क्या कहते हैं मतलब CD70 फिर बेहतर है ये वाली CD70 अलग है वो फैमिली बाइक है बस दो बंदे के लिए काफ़ी है अच्छा बाइक है इस पर अगर बंदा ट्यूरिंग पे जाता है तो एक इधर सामान रखे एक बंदा बेस्ट तरीके से जा सकता है अच्छा तो अभी इसका प्राइस क्या लगा आपने प्राइस जो है इसका न्यू का जो प्राइस है 4,98,000 बगैर रजिस्ट्रेशन के और ये रजिस्ट्रेशन के साथ आपको मिलेगा 3,90,000 अच्छा इसका क्या ये भी सेल्फ स्टार्ट है हाँ ये भी सेल्फ स्टार्ट है किस तरह होगा आपको बता दें स्टार्ट करके कहाँ में हमारी बस अच्छा असद भाई ये आपने कहा सेल्फ स्टार्ट है लेकिन किक भी है इसके साथ क्या है किक ऑप्शन की है अच्छा आपका बैटरी खराब हो जाए तो किक भी स्टार्ट है अच्छा अभी ये क्या आपने बैटरी खराब है इसकी क्या चीज़ का चार्ज नहीं अच्छा चार्ज नहीं इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा तो अभी इसका प्राइस क्या आपने कहा था इसका प्राइस 3,90,000 अच्छा असद भाई अभी ये बता दी ये कौन सी बाइक है ये बाइक जो है यामा YBZ-DX 125 सीसी है 125 सीसी 2023 की मॉडल है जी ये बिल्कुल सिर्फ 60 किलोमीटर चला हुआ है सिर्फ 60 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी बिल्कुल नया है अच्छा तो ये जो है फैमिली बाइक है ये फैमिली बाइक है अच्छा फैमिली गाइस तो ये फैमिली बाइक है ये फैमिली बाइक है इस पे मतलब एक बंदा मतलब अपने साथ चार फैमिली में बिठा सकते हैं इसका चार बंदे इसमें बिठा सकते हैं सीसी क्या है ये सीसी 125 कस्टम पेड है ये जी कस्टम अच्छा गाइस यहाँ पर सारे आपको कस्टम पेड बाइक्स मिलेंगे देखिए कस्टम पेड बाइक है तो ये देखिए इसका पूरा कंडीशन देखिए लच पच है बैक साइड उस साइड भी आप दिखा सकते अच्छा ये देखिए ये इसका फ्रंट लुक है ओ गाइस वल्ला बहुत अच्छा तो इसका भी प्राइस क्या आपने कहा है इसके न्यू की जो प्राइस है 4,32,000 है तीन लाख मजीद कंसेशन भी हो सकता है गाइज तो थैंक यू असद भाई आपने इस तरह कंसेशन करे हमारे व्यूअर्स के साथ व्यूअर्स तो आप भी लाइक करें वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब भी करें इसको थोड़ा सब्सक्राइब करें ये कौन सी बाइक है आपने कहा CB125F अच्छा इसको आप ऑफ रोड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ रोड से मतलब क्या होता है मतलब पहाड़ में ले जा सकता है अच्छा पहाड़ों में ले जा सकता है ये पहाड़ों पे आप इसको बेस्ट तरीके से चला सकते हैं वाह तो ये अभी बता दें मतलब सीसी क्या ये 125 सीसी अच्छा 125 सीसी 125 सीसी है 2021 की मॉडल है अच्छा तो ये अभी कोयटा रजिस्टर कस्टम पेड है ये भी जी जी कस्टम पेड ठीक है तो ये गाइस वल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छे बाइक से यहाँ देखिए यहाँ पर सारे शौकीन इसके होंगे कितने शौकीन हैं शौकीन है बहुत सारे अच्छा इसके शौकीन हो गए ना इसके भी शौकीन इसके बहुत सारे हैं क्योंकि ट्यूरिंग बाइक है अच्छा इसमें लोग पावर भी ले जाते सबको जो सख्त सख्त काम है उससे ले जाते अच्छा इससे लिया जा रहा है ठीक है ओके तो ये अच्छा मज़ेदार भी चलने में किस तरह है आप चलने में बिल्कुल बेस्ट है अच्छा बेस्ट है मतलब तो ये इसका पेट्रोल एवरेज क्या है इसका भी पेट्रोल एवरेज आपको शहर में 35 किलोमीटर देगा अच्छा आप लॉन्ग रोड पे जाएगा तो 45 किलोमीटर तक देगा अच्छा ये फिर क्यों सिटी में क्या फर्क होता है मतलब सिटी में बस जंप है रोको फिर तेजी बस ठीक है अच्छा अच्छा ये भी सेल्फ स्टार्ट है जी जी सेल्फ स्टार्ट तो आप दिखा दें किस तरह स्टार्ट होता है ये सेल्फ स्टार्ट इसका भी दिखा दें स्टार्ट करके दिखा दें ताकि व्यूअर्स का थोड़ा सा वो हो जाए मतलब टेंशन जो होता है ऑप्शन है अगर आपका बैटरी मतलब ख़राब हो जाए तो आप ठीक से स्टार्ट कर सकते अच्छा तो ठीक है
तो इसका प्राइस आपने क्या भी किया है? इसका प्राइस जो है न्यू मॉडल की जो है इसकी प्राइस तकरीबन 4 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ जी। ये आपके व्यूअर्स को मिलेगा 2,50,000। आपके पास इस तरह कोई कस्टम नॉन कस्टम बाइक्स भी है? नॉन कस्टम बस मैंने 2 महीने में एक आता ना किया। क्या? मैंने एक 2 महीने में एक दाना थी मैं। अच्छा, हाँ वो बार्डर वाली होती है, चमन। तो फिर कोई व्यूवर्स है उनके पास, फिर कोई क्या होगा अगर चाहिए नॉन कस्टम, मतलब इंशाल्लाह इस तरह बाइक के और भी मतलब और भी चाहिए इंशाल्लाह मंगा लेंगे, जिस तरह की बाइक आपके व्यूवर्स को चाहिए उसको। अच्छा, नॉन कस्टम की तरह। गाइज ये आपको बता रहा है सब बाइक के नॉन कस्टम, जिस तरह भी बाइक उनको दरकार हो वो भी मैं दे दूंगा यहाँ पर। तो इनके पास दोनों यहाँ पर कस्टम है। अच्छा, इस साइड पे आ जाइए, ये वाला बाइक कौन सा है? वो भी वही वाला है। अच्छा सब भाई ये बता दें, ये कौन सी बाइक है? यामाहा वी स्टार का बाइक है। अच्छा, 2013 का मॉडल है, 2018 का इंपोर्ट है। अच्छा, ये क्वेटा रजिस्टर्ड है, कस्टम नॉन कस्टम नहीं है, कस्टम पेड है। ये कस्टम पेड है लोगों के लिए, जो लोग नॉन कस्टम से डरते हैं कि पकड़ा जाएगा ऐसे वैसे, उन लोगों के लिए ये बाइक खास उन लोगों के लिए। अच्छा, 2013 की बाइक है जी जी, 2018 में रजिस्टर्ड हुआ है, एक्शन बाइक है जी, क्वेटा नंबर है, क्वेटा नंबर है, वी स्टार 1300 cc जी, बिल्कुल फ्रेश बाइक है, बिल्कुल फ्रेश बाइक है। ये बाइक क्वेटा में नहीं चलाई ना, पाकिस्तान में चला जी जी, ये डायरेक्ट इंपोर्ट हुआ है बॉर्डर के रास्ते, पहले इलेक्शन में हम लोग ने इसको रजिस्टर किया जी, इसका डिफ्टी म्यूटी सब क्लियर है। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, ये कितना बड़ा बाइक है यार, ऐसे बिल्कुल वो शहजादो वाला नहीं है, बड़ा बड़ा, ये बिल्कुल शहजादो वाला है, प्रोटोकॉल वाला बाइक, प्रोटोकॉल वाला बाइक। अच्छा, ये चलाने में किस तरह होगा फिर? ये चलाने में बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा, बच्चा भी चला सकते है, चला सकते है। सीसी क्या है इसकी? सीसी 1300 cc, 1300 cc है। वाओ गाइस, ये बाइक जो है ये 1300 cc है यार, ये देखो पेट्रोल एवरेज क्या है? 25 किलोमीटर आपको पेट्रोल एवरेज देगा। अच्छा, 25 पर लीटर 25 किलोमीटर आपको एवरेज देगा। वाओ यार, तो ये लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए कैसे है? बस ये सारा लॉन्ग बिल्कुल ट्रेनिंग बाइक है। अच्छा, लॉन्ग के लिए। तो ये इसका किस तरह मतलब कितना चला हुआ है ये बता दें? ये चला हुआ है तकरीबन 30-40 हज़ार चला हुआ है। 30-40 हज़ार चला हुआ है। अच्छा, ये सीट्स भी लगा हुआ है इसके, आप सीट्स बता दिए क्या है? ये पीछे ये बैक सीट है, बैक सीट जो बंदा बैक में बैठेगा उसके लिए आरामदायक। अच्छा, ये सीट ठीक है। तो ये फिर ये मतलब कितने बंदों का सीट है इसमें? मतलब दो बंदे इसमें बैठ सकते हैं, दो बंदे इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस, ये देखिए टायर्स भी देखिए आप लोग, टायर्स जाने के करीब से देखिए। अच्छा, ये इंजेक्टर है, वाटर वाला क्या है? इंजेक्टर सिस्टम है। तो ये अभी स्टार्ट हो सकता है, आपको दिखा सकते हैं हमारे यार? अभी तो स्टार्ट नहीं होएगा जी जी, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं लगा, बैटरी इसका हमने मंगवाया जी, जब पहुंचेगा उस दिन आपको इसका व्यू दिखाएंगे, स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। वाओ गाइस, ये देखो ये बड़ा, अभी लाइट थोड़ा सा चला गया है तो मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये देखो बड़ा अच्छा बाइक है यार, ये देखो बैक साइड भी देखो आप लोग, ये इसका बैक है देखो, यामा है ये भी, जापान का, ये भी जापानी है, बहुत बड़ा बाइक, इसका नाम है यामा वी स्टार। ये देखो यहाँ पर भी देखो गाइस, अच्छा ये भी सिर्फ स्टार्ट है, सब स्टार्ट है, ठीक है, ओके फाइन। Guys, तो आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट करें, हमें भी लाइक करें अगर। अच्छा, इसका प्राइस क्या लगा दिया आपने? अभी थोड़ा सा आगे लाए इसको, थोड़ा सा इसका प्राइस, इसका वजन ज़्यादा है। अच्छा, इसका वजन बहुत ज़्यादा है। वाह, बहुत बड़ा बाइक है, 1300 cc है गाइज। ये देखो टायर्स भी देखो इसका, खास लोगों के लिए चलाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो आगे से पीछे से देखो गाइस, अभी आ जाओ। कब लाए आप लोगों ने, कब लाए इसको? यार इसका महीने 2 महीने हो गया। अच्छा, ठीक है, ये इसका बैक दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो ये बैक है, ये इस गाड़ी का बैक है, ये देखो। अभी जिसको भी चाहिए ना, विदाउट टाइम वेस्ट किया, अभी अभी आपने कॉल करना है, अभी आपने जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग जाए असद भाई से अभी मिले और ये बाइक करने, वरना और ले जाएगा फिर ये ना करना यार मोहम्मद भाई, आप लोगों ने यार वो क्या लिया बाइक वो चला गया, ये फिर आप लोगों की अपनी बात होगी, सही है। तो अभी आपने कहा प्राइस क्या लगाया असद भाई इसका? प्राइस इसका 22 लाख रुपये हमने लगाए जी, आपके व्यूअर्स के साथ इंशाल्लाह खुशी रहते हुए। अच्छा, फिर भी कितना हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए? इंशाल्लाह
20 लाख फाइनल तक हो जाएगा। अच्छा ये अभी ना कस्टम आ सकते हैं इस तरह ना कस्टम का क्या कस्टम इस वक्त ये जापान में आपको मिलेगा साढ़े छः हज़ार डॉलर में नॉन कस्टम भी डिलीवरी खर्चा है उधर से जब आप इम्पोर्ट करेगा इम्पोर्ट का अलग खर्चा है कस्टमर मार्ग से डिलीवरी का खर्चा है जी जी। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तब ये बाइक अगर आप इस टाइम 2024 में मंगावे तो ये 50 लाख की आपको पड़ेगा 50 लाख का पड़ेगा कस्टम पेज के साथ। अच्छा सर भाई ये कौन सी बाइक है? ये होंडा 125 2023 की मॉडल है। अच्छा 2023 रजिस्टर्ड है, मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं हुए, 400 ओनली खाली 400 यूज़ हुआ है। अच्छा 400 सिर्फ 400 यूज़ हुआ है जी, मोटरसाइकिल बिल्कुल नए है। अच्छा 23 मॉडल है, 25 रजिस्टर्ड है, 23 मॉडल है। ओके ये जो अभी मतलब ये ओरिजिनल टैंक की सब कुछ ओरिजिनल है आपको व्यूअर्स को इंशाल्लाह हर ओर ठीक मिलेगा हर मॉडल मिल जाएगा। अच्छा इसकी गारंटी है? हां गारंटी है, यही गारंटी है कि गाड़ी में जो भी खराबी हो 24 घंटे में हम उसको वापस करेंगे। ठीक है 24 घंटे। अगर कोई बाहर से यार वजूब साइड से इस्लामाबाद साइड से या पेशावर साइड से फिर उसके लिए जाऊंगा सब स्टार्ट है। अच्छा ये 1.6 स्टार्ट है, ये सब स्टार्ट है 2024 मॉडल है जी, ये न्यू प्राइस जो है इसकी 2,90,000 रुपये, ये आपके व्यूअर्स को 2,70,000 ये वाला। उसके बाद 2022 मॉडल है 0 मीटर, 2022 की मॉडल है 0 मीटर है क्योंकि अभी तो हर साल चेंज होता है ना, तो साल चेंज के साथ फिर वही पट्टा नहीं आता है, ये 2022 का पट्टा है, अभी तक 0 मीटर खड़ा है। जिस आपके वर्ष के जिसका भी शौक हो शौकी बंदे के लिए ये मिलेगा आपके वर्ष को 2,30,000।